हाय, दिस इज रेणुका, योर कॉन्टेंट रीजनिंग फैकल्टी. सो एसबीआई क्लियर के अपडेट के बाद एवरीवन इज आस्किंग अबाउट एसबीआई पीओ. विल डिस्कस द नोटिफिकेशन एंड प्री प्लस मेंस एग्जाम डेट्स. बट बिफोर दैट, अगर आप पीओ की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हो तो बेहतर है, और आप पीडीएफ से भी अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं. प्री और मेन्स दोनों के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, और क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो फॉर प्री एज वेल एज मेन्स. नाउ लास्ट 3 ईयर्स की मैं यहाँ पे आपको एनालाइज करके दिखा देती हूँ. 2020 की सबसे पहले बात करें तो नोटिफिकेशन 13 नवम्बर को आया था, ठीक है. फिर प्री एग्जाम 4 जनवरी को और मेंस 29 जनवरी को हुआ था. प्री और मेंस के बीच 1 मंथ से भी कम का गैप था 2020 में. 2021 में नोटिफिकेशन कब आया था? 4 अक्टूबर को. प्री का एग्जाम 27 नवंबर को हुआ था और मेंस 2 जनवरी को हुआ था. 1 मंथ से भी ज्यादा का गैप था प्री और मेंस में 2021 में. 2022 यानी लास्ट ईयर की बात करें तो नोटिफिकेशन आया था 21 सितंबर में. प्री हुआ था 8 दिसंबर को. यानी नोटिफिकेशन और प्री एग्जाम में 2 मंथ्स का गैप था, 2 मंथ से भी ज्यादा का गैप था, ठीक है. और मेंस का एग्जाम हुआ था 30 जनवरी. लगभग 1.5 महीने से भी ज्यादा का गैप रहा प्री और मेंस के बीच. तो अगर इसको एनालाइज करें तो इनको अगर आप ध्यान से एनालाइज करो और अपडेट जो मिला है उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन सितंबर लास्ट और अक्टूबर के मिड तक आ सकता है, ठीक है. प्री नवंबर एंड या फिर दिसंबर, और मेंस जनवरी हर बार की तरह, यानी जनवरी 2024, ठीक है. सो 4 महीने का अच्छा खासा टाइम है. आप एक अच्छा सा स्टडी प्लान करके, या फिर मैं भी बहुत जल्द एक स्टडी प्लान लेकर के आऊंगी, आप उसे भी फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और 4 महीने में अच्छे नंबर ऑफ मार्क्स से एग्जाम क्लियर कर सकते हो. सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द एग्जाम. दैट्स इट फॉर टुडे. कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. बाय बाय, टेक केयर.